फ्रेंड्स नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आरवी किचन में। आज हम बना रहे हैं अमरूद का जैम। ये हमने 1 किलो अमरूद लिए हैं, ये पके हुए हैं लेकिन ज़्यादा गले हुए नहीं है। इन्हें हमने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब हम इनको काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस प्रकार हम सभी अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेंगे। हमने सभी अमरूद के छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया। और एक ये चुकंदर लिया है, इसे भी इसी के साथ में काट कर ब्लांच कर लेंगे। अब हम एक पतीला लेंगे और सभी अमरूद को उसमें डाल लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे। हमने पतीले को गैस पर चढ़ा दिया है और इसे अमरूद को गलने तक पका लेंगे। हमारे अमरूद गल चुके हैं, हमने गैस ऑफ कर दी है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। हमने सभी अमरूद की प्यूरी बना ली है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी रहता है कि अमरूद में बीज बहुत रहते हैं, इसलिए हम इन्हें छान लेंगे और इनका सारा पल्प निकाल लेंगे। उसके पल्प को छान कर रख लिया है। हमने गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा दी है और हम अपने सभी अमरूद के पल्प हम अमरूद के पल्प को पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमने 1 किलो अमरूद लिए थे तो हमें 1 किलो ही शक्कर लगेगी। अब हम इसमें शक्कर को डाल देंगे। और इसे पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हमारे जैम को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आइए हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे, जिससे इसमें शक्कर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चेक कर लेते हैं, एक प्लेट में डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। ये अभी बह रहा है, इसे अभी हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। हमारी जेली को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब ये बह नहीं रही है, हमारी जेली बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए हमने जो बीट रूट डाला था उससे कितना अच्छा कलर आया है इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, थैंक यू। अब हम इसे गरम गरम ही बॉटल में भरकर रख देंगे, जिससे यह बॉटल में ही सेट हो जाएगी। हमने बोतल को
साफ करके धोकर सुखाकर रख लिया था।